हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई लोग इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11:30। आज है 3 फरवरी 2022। तो आपको याद होगा, वैसे तो आज है 3 फरवरी 2022 बृहस्पतिवार, बट 3 जनवरी 2022 को हमने ली थी अपाचे। तो हम बन गए थे अपाचे RTR 160 ली थी हमने, और आज एक महीना हो चुका है इस बाइक को पूरा। एक महीने में हमारी बाइक जो चली है टोटल, वो भी हम आपको बता देते हैं एक सेकेंड, 2221 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। और जो अब तक हाईएस्ट मैंने भगाई है वो भगाई है 98, और इस वक्त बज रहे हैं 11:30 और अपने ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। भाई लोग रात से ही मौसम, मतलब हवा तेज़ थी, रात को ही हवा तेज वेज हो गई थी, तो सुबह मेरे को पता चला कि बारिश हुई हल्की हल्की। मैं बाहर निकल के देखा हल्की हल्की बारिश हो गई थी, तो इस वक्त बारिश रुक चुकी है पर मौसम बड़ा कड़ाकेदार हो गया। ठंड भी बहुत हो रही है, इवन कोहरा पड़ गया हल्का हल्का ना, चार दूर दूर से आपको दिख रही होगी पीछे। तो वो हो चुकी है और सफ़र शुरू करते हैं अपने ऑफिस के, और ऑफिस चलते हैं और आपसे मिलते हैं। बालों की हालत ख़राब कर रही है हवा, ऑफिस जाके मिलते हैं। ब्लॉग इस वक्त बज रहे हैं भाई 12। मैं अपने ऑफिस आ चुका हूँ, अब जरा कपड़े वपड़े से वही करते हैं फटाफट से। और मौसम बारिश वाला हुआ पड़ा जैसे सुबह के आपको बताया था मैंने। और आज हमारी बाइक एक महीने की हो गई, पूरी एक महीना हो गया उसे लिए हुए हमारी बाइक को। टचवुड नज़र ना लगे, मेरी ही नज़र ना लगे खासकर, मेरी बाइक बहुत अच्छी चल रही है, टचवुड मज़ा आ रहा है चलाने में भी। और बाकी सारा दिन अब शुरू करते हैं फटाफट, बहुत सारी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट करनी है। आ गए हैं ऑफिस में, अब काम वाम शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी से ब्रेक के बाद। सो हम हो चुके हैं तैयार व्यार फटाफट और अपने ऑफिस में, मतलब आपको पता आ गए थे तैयार व्यार हम हुए। अब अपना काम वाम शुरू करते हैं फटाफट से, सीट वीट पे बैठते हैं और काम शुरू करते हैं। बज रहे 12:15 और मिलता हूँ आपसे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई लोग इस वक्त बज चुके हैं 5:30 और मॉर्निंग स्टाफ जा चुका है आज, और बारिश हो रही है कड़ाकेदार। यहाँ पर शुरू हो चुकी है बारिश, 5 बजे से बारिश हो रही है हल्की हल्की, और अब थोड़ी तेज़ हो रही थी तो इसलिए सब जा चुके हैं फटाफट। और भाई को बैठना है 8 बजे तक, यार सो सैड। मतलब ऐसा मौसम हो रहा होता ना जब लगता है कि यार फटाफट घर जाऊँ। अब मुझे रात को भी टेंशन नहीं है कि सारे में कीचड़ 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 कीचड़, जो इतने दिन में सुख मिल रहा था ना कि थोड़ी सी धूप दिख रही थी, साली फिर वही कीचड़बाजी हो गई है बारिश की वजह से। वही कहना, समझ नहीं आ रहा कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी गर्मी मिक्स सब हो रही है। और बाकी हमारे पास अपाचे के बर्थडे वाले दिन ही फ़ोन आ गया है अपाचे वालों का कि आपकी RC आ गई है और आपका नंबर आ गया है, तो कल सुबह हमें जाना है अपाचे के शोरूम, हमें अपनी RC और नंबर प्लेट लगवा के आनी है। देखते हैं, आई होप कोई अच्छा नंबर आया हो, बाकी जाके पता चलेगा क्या मिला है क्या नहीं। और भाई बैठा ऑफिस में काम कर रहा है, करते हैं काम और मिलते हैं आपसे। क्या हुआ कार्ड भैया, कहाँ खड़ी है? पेमेंट डन, डना डन, डाल दो ऑफिस कम्युनिकेशन पे। कल पे काम करते हैं भाई लोग। स्वागत कॉल ही कौन है?
दबा फिर भी घमंड वा, मतलब इतनी भी झंड नहीं हुई यार जिंदगी। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि ना लाइफ एकदम सब कुछ दे दे, आप पैदा हुए, पैदा होते बड़े हुए, जब अपना आपका खुद संभलने का टाइम आया कि आप अपने लिए करें या अपनी फैमिली के लिए करें, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार सब कुछ हुआ हुआ है मिल जाए। बहुत से लोगों को मिलता भी है कि चल उनके पापा चाचा या घर वालों की तरफ से कुछ मिला, बिजनेस है, सब कुछ है, जो भी है, वेल सेटल्ड होते हैं, कुछ हो वो सेटल होना पड़ता है, जैसे कि मिडिल क्लास आदमी होता है, हम आप सब हैं, तो वेल सेटल होने में बहुत फ़ायदे होते हैं। जब खुद अपने आप को बनाता ना आदमी, तो अपनी कमियाँ अपनी अच्छाइयाँ सब दिखती हैं, अपनी बुराइयाँ, तो वो सबको एक एक करके ख़त्म करता हुआ जब जाके अपने लेवल पर पहुँचता है, अच्छाई की तरफ अपना बनता है। मेरी 9 से 5 की शिफ्ट थी, फिर 12 से 8 की चल रही है, कभी डबल शिफ्ट लगती है, कभी कुछ लगता है, मैं कभी भी मना नहीं करता। आप देखते भी होंगे मैं हर संडे ऑफिस भी आता हूँ, मेरे को अपने काम को लेकर पैशन है कि मुझे इस दुनिया की जो जंग है, ये जो भीड़ है ना, इस भीड़ में जीतना है, पीछे नहीं रहना। तो मैं अपने काम में कभी कमी नहीं छोड़ता, अपने जितना जल्दी हो सकता है मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं ग्रो करूँ, क्योंकि कई बार ना आदमी के पास टाइम कम दिखता है कि यार उम्र ये हो रही है। मेरी उम्र इतनी खास नहीं है, 25 साल का हुआ हूँ, बट हाँ कि मुझे लगता है कि हाँ मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है अभी, और उसको बहुत जल्दी करना है। मैं मतलब चाहता हूँ कि जो हैं मेरी फैमिली में गिने चुने लोग, उनके जीते जी सब कुछ दिखा सकूँ करके, तो हाँ उनके लिए मुझे करना है। मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता अपने आप से, कभी नहीं हारा मैं। जिस दिन अपने आप से हार जाऊँगा उस दिन कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया से हारना कोई हार नहीं होती, फिर जीत जाओगे, और जिस दिन तुम अपने आप से हार गए, मतलब करने की उम्मीद छोड़ दी, उस दिन तुम दुनिया से भी हार गए। तो नेवर गिव अप, लड़े रहो, करे रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक इस दुनिया को छोड़ेंगे नहीं। तो बॉस अपना फंडा सेट है कि हार नहीं माननी है, काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि काम है तो पहचान है, काम नहीं तो तू कौन और मैं कौन मेरे भाई, समझे। और हॉस्पिटल लाइन में ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं लगाते, मास्क ये रखा। इस वक्त क्या होता है, 5:30 बजे के बाद क्राउडेड हल्का हो जाए, ओपीडी होती नहीं, सुबह की ओपीडी होती है 11 से, तो ओपीडी खत्म हो चुकी होती है। जो आईपीडी पेशेंट है वो अपने बेडों पे हैं, अटेंडेंट इंक्वायरीज के लिए आते रहते हैं बस, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस कॉल अटेंड करनी है, अपॉइंटमेंट देखना है, ये सब चीज़ों का काम है बेसिकली। तो वो काम में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपने। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इस वक्त बज रहे हैं 9:47, रात के 10 बजने में, मतलब 13 मिनट है। और भाई आज इस वक्त मैं घर होने की जगह ऑफिस में ही हूँ, ऑफिस के बाहर खड़ा है तुम्हारा भाई अपने। तो मैं एक्चुअली जब मेरी आधी छुट्टी हुई तो मैंने देखा बारिश हो रही थी बहुत तेज, मैं कहा यार अब निकलूंगा, अभी बीमारी से उठाऊँ, भीग गया तो फिर बीमार, ये भी डबल डबल खर्चा पड़ेगा जान को, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होगी, सीधी सी बात है बीमार पड़ेंगे तो, और फिर दवाइयाँ खाओ, पड़े रहो, बीमार बने रहो, फिर व्लॉग छूटते। तो हमने क्या प्लान किया, मैं कहा आज हम रात को ऑफिस में ही रुकते हैं और कल आफ्टरनून की जगह मॉर्निंग शिफ्ट पकड़ लेते हैं 9 से 5:30 की। तो हमने वही सेट कर दिया है, कल नदीम भाई या सूरज भाई में से दोनों में से जो भी होगा वो आफ्टरनून में आएगा, एक बंदा मॉर्निंग में आएगा और मॉर्निंग में हम भी रहेंगे। और हम वैसे कि बेसिकली बताऊँ तो 8 बजे से मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है, तो अपना अभी लंच वंच करके बैठा हूँ, लंच कर रहा हूँ, डिनर करके बैठा हूँ, सॉरी जस्ट अभी डिनर करके बैठे हैं हम भी। रोहित शर्मा जी आज नाइट शिफ्ट में हमारे साथ हैं, आरिश भाई हैं और विजय हैं, जो कि हारिश भाई और विजय हमारे टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, और शर्मा जी हमारे जो काउंसलिंग का ही काम करते हैं बेसिकली, और आज नाइट शिफ्ट में वो आ जाते हैं आजकल काउंसलिंग की जगह, तो वो और हम और मजे करते हैं, रात भर अपने ऑफिस में बैठेंगे और काटेंगे वहीं। तो मैं वैसे बाहर आया था, इस वक्त बारिश रुक गई है जरा सी, तो मैं कहा चलो देखते हैं क्या व्यू है और मिलते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इस वक्त बज चुके हैं रात के 11, और आपको पता है मैं ऑफिस में ही है भाई अपने, और हम अपना काम वाम मतलब जो था हमारी, तो आज भी छुट्टी हो गई थी, कोई काम नहीं था उसके बाद, फिर भी कुछ जो कॉल्स आ रही थी हमने फिर भी उठा ली कि यार बैठे हैं तो काम कर ही लो, सो थोड़ी रहे एकदम। फिर रोहित शर्मा जी की 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की नाइट शिफ्ट है, तो शर्मा जी आ गए थे 9 बजे, फिर हमने कहा चलो आ ही गए हैं शर्मा जी, फिर मैं कहा रात को शर्मा जी के साथ टाइम पास भी हो जाएगा, आराम से सो भी जाएंगे। फिर शर्मा जी खाना वाना भी लाए थे, तो हमने घर का ही खाना खा लिया नहीं के साथ बैठ के, करे मैं रात को लाता भी हूँ एक्स्ट्रा का, मुझे टेक्नीशियन होता है साथ तो वो खा लेते हैं, मैं कहा आज मेरे नाम का भेज दिया बाबी ने समझ लेना। तो हमने शर्मा जी के साथ बैठ के खाना वाना खाया, अब शर्मा जी हैं और हम ऑफिस में बैठे बैठे मतलब 11 बजे
खाना वाना खा चुके हैं और टाइम पास करने के लिए क्या देख रहे हैं दिखाऊं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रात भर यही काम रह गया। मतलब शर्मा जी ने तो G5 पे चला लिए, वेब सीरीज देख रहे हैं, कभी वो देखते रहते हैं वो भोकाल, कभी रक्तांचल। मैं कहा ठीक है तुम्हारा टाइम पास हो गया भाई, मैं इतनी वेब सीरीज देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ी देर तारक मेहता देखेंगे, हंसी मजाक देखेंगे, और हो सकता है यूट्यूब पर हंसत स्टैंड अप कॉमेडी सुन लेंगे अनुभव बसी भाई साहब की। बस कर बसी, तो बसी साहब की दो तीन स्टैंड अप कॉमेडी जो स्पेशली मुझे हॉस्टल वाली बहुत पसंद है, तो वो सब सुनाकर अपना और सोएंगे। और कल सुबह फिर 9 से 5:30 की शिफ्ट बैठना है। मतलब शायद मतलब देखा जाए, मैंने बारिश में भीग कर अपनी तबीयत बचाई, प्लस 80 किलोमीटर बचाए, 40 जाता 40 आता तो वो भी बच गए, और सुबह यहीं कहीं ऑफिस बैठ जाएंगे उठ के, बस मुँह हाथ धोकर और फिर जल्दी घर भी पहुँचेंगे कल। ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, 6:30 बजे तक हंसते घर पर होंगे, 6:30 तक, तो सोने की तैयारी करते हैं और मिलते हैं आपसे, बाय। सो फाइनली भाई हम अपने ऑफिस में, ये कैनवा स्टैंड भी लग रहा है, तो ये अपना बेड है, डॉक्टर ड्यूटी रूम है हमारा, तो हम आज रात यहीं सोएंगे भाई लोग ऑफिस में, और सुबह अपनी वही 9 से 5:30 की शिफ्ट करेंगे। तो कल मिलते हैं आपसे, सी यू टुमारो। और घर तो गए नहीं, और नंबर प्लेट लगवानी थी बाइक की, RC लेके आनी थी, वो भी कल काम करने की सोची थी सुबह, तो कल या तो जाते हुए शाम को निपटा देंगे अगर और शोरूम खुला रहा तो, वरना परसों निपटा देंगे, ऐसी कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। तो अब सोते हैं और आपसे कल मिलेंगे, गुड नाइट, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय।